हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद रेहान और आज मैं केमिस्ट्री पे वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि केमिस्ट्री को किस तरह से प्रिपेयर करें ताकि हम नीट में एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। केमिस्ट्री जो था वो मेरे लिए मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट था, क्योंकि उसमें बहुत सारा मेमोराइजेशन का पार्ट था विदाउट एनी लॉजिक, तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी आई थी केमिस्ट्री को याद करने में। तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि कैसे हम केमिस्ट्री को अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकें। मेरे जो थे वो 170 आए थे आउट ऑफ 180 इन केमिस्ट्री नीट 2022 के एग्ज़ामिनेशन में। तो केमिस्ट्री जो है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिज़िकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिज़िकल केमिस्ट्री जो है वो तो मोस्टली फिज़िक्स की तरह है, उसमें आपको थ्योरी पढ़नी होती है और उसकी बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर आप डायरेक्टली मॉड्यूल पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो भी ठीक है, लेकिन आई विल प्रीफर कि एनसीईआरटी की रीडिंग इज़ वेरी मच मैंडेटरी, क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी इस साल बहुत सारे आए थे। फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट से डिफेक्ट के ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था नीट 2022 में। तो फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी आपको बहुत बार पढ़नी पड़ेगी ताकि आपको जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री में वो याद हो सकें। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है उसके अंदर जो सेल वाला टॉपिक है, जिसमें लेक्लेंचे सेल और लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में दे रखा है, तो वो एक थ्योरेटिकल टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्ज़ाम में। इस साल तो नहीं बना था, लेकिन आने वाले नीट के एग्जामिनेशन में बन सकता है क्वेश्चन। तो आपको थ्योरेटिकल टॉपिक्स भी अच्छी तरह पढ़ने पड़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के, और फॉर्मूलाज तो आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री के। क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी ज़्यादा आपकी फिजिकल केमिस्ट्री पर पकड़ हो पाएगी। सो आई विल सजेस्ट यू कि एनसीईआरटी की रीडिंग के साथ क्वेश्चन भी डेली टू डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें ताकि आपकी फिज़िकल केमिस्ट्री स्ट्रांग हो पाए। फिर हम चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, क्योंकि या तो उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आती है, या फिर उनकी 11th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो वीक होती है। सो आई विल सजेस्ट यू कि जो आपकी 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर ओनली दो चैप्टर हैं, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन्स, तो वो आप अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आपकी जो 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपको इजीली समझ आ सके। उसके अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया और हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए ताकि 12th की केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। हाइड्रोकार्बन्स के जितने भी रिएक्शन हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि 12th में आधे से ज़्यादा जो होंगे रिएक्शंस वो हाइड्रोकार्बन से ही लिए होंगे और सारे रिएक्शन जो हैं रिलेटेड होंगे आपस में। नेम्ड रिएक्शंस को याद करने का इजी तरीका जो होता है वो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू होता है। मैंने ऐसा कोई चार्ट वार्ट या फिर शीट नहीं बनाई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम्ड रिएक्शंस याद करने के लिए, लेकिन अगर आपको नेम्ड रिएक्शन याद नहीं हो रहे हैं तो आप शीट या चार्ट बना सकते हैं और अपने जहाँ भी आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल पे उसके सामने चिपका लीजिए और उसको डेली बेसिस पे रिवाइज कीजिए ताकि आपको इजीली याद हो सके। मैंने तो ऐसा नहीं किया था, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली थी कि मुझे सारे नेम्ड रिएक्शन याद हो गए थे विदाउट एनी शीट्स और चार्ट्स। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। फिर चलते हैं मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो मेरे लिए तो नाइटमेयर था, क्योंकि मुझे कुछ भी उसमें याद नहीं आता था और उसमें समझ आने वाली चीज़ें भी बहुत कम थी जिसको हम रिलेट कर पाएँ, तो आपको डायरेक्टली मगअप करना पड़ता था। लेकिन जो मैंने फॉलो किया था मेथड, क्योंकि इसमें कोई शॉर्टकट हम अपना नहीं सकते, इसमें तो हमें डायरेक्टली, अगर आप कोई भी एनसीईआरटी का पार्ट पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक से, तो उसको पढ़ने के बाद आप अपनी रफ नोटबुक में उसको लिख के देखें खुद से, जिससे आपको लॉन्ग टर्म, जिससे आपकी उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन पाए और वो आपको लंबे समय तक याद रहे। मैंने तो ऐसे ही किया था कि जो भी मैं पढ़ता था उसको मैं रफ नोटबुक में लिख लेता था जो भी मुझे याद आ रहा है, और जो चीज़ मुझे याद नहीं आती थी उसको मैं दोबारा एनसीईआरटी में जाके पढ़ता था और इसको रिवाइज़ करके फिर दोबारा लिखता था। तो ये मेरी जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई थी वो थी, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और एक मेथड होता है इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल, उसमें हम अगर फ्री टाइम में जैसे बैठे हैं तो उसमें हम अपने जितने भी ट्रेंड्स होते हैं इनऑर्गेनिक के वो रिवाइज़ कर सकते हैं, या फिर किसी कंपाउंड के बारे में प्रॉपर्टीज़ लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनको रिवाइज़ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। अगर आप बुक से पढ़ लेंगे तो उसको पैसिव रिकॉल बोलते हैं, उससे ज़्यादा इतना बेनिफिट नहीं होगा और आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बन पाएगी।
अगर आप बिना बुक देखे उसके बारे में याद करेंगे, रिवाइज़ करेंगे मन मन में, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाएगी और आपको लंबे समय तक याद रहेगा। आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस की तो खैर ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ट्राई कीजिए कि आप एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन लगाएं, ताकि जो आपने पढ़ा है वो आपका रिकॉल हो सके और आपको वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रह सके। और एनसीईआरटी के बाहर इनऑर्गेनिक में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर इनऑर्गेनिक में बिल्कुल भी नहीं आता। एनसीईआरटी इतनी वास्ट है कि उसका पूरा सिलेबस याद करना मुश्किल हो जाता है, तो आप अपनी एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए ताकि आपकी जो नीट में एक अच्छा स्कोर आ सके। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है उसको बार बार पढ़ें, क्योंकि उसमें इतने सारे इन्फॉर्मेशन है कि उसको याद रख पाना बहुत ही मुश्किल है, तो उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए। एंड थैंक यू गाइस, आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। एंड जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी बायोलॉजी के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बायोलॉजी को कैसे प्रिपेयर करें। एंड थैंक यू गाइस, एंड प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।